The Wire. सोहना के सीमावर्ती गांव करंज में शराब के नशे में धुत चार दोस्तों के बीच आपस में हुई कहासुनी को लेकर तीनों दोस्त ने एक दोस्त को गोली मारकर घायल कर दिया। इतना नहीं, गोली मारने के बाद घायल युवक को तीनों दोस्तों नहर किनारे फेंक मौके से फरार हो गए। नहर के पास से गुजरने वाले लोगों ने घायल युवक को नहर किनारे पड़ा देख घायल को इलाज के लिए फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना रोज का मेयर थाना पुलिस को दी गई। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गांव सिलानी के रहने वाले जैकम अपने तीन दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान जब अधिक नशा हो गया तो उस समय सिलानी के निवासी बीरपाल उर्फ बोना के साथ उसकी कहासुनी हो गई। बीरपाल ने जैकम को गोली मार दी। गोली लगने के बाद वो बेहोश हो गया। इस दौरान तीनों दोस्तों ने जैकम को लेकर नहर किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। सिलानी गांव में गोली चलने का मामला था, क्या है पूरा? आज सुबह करीब 7-7.30 बजे के आसपास SHO सदर सोना की मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि किरंज गांव के पास एक पोस्टिंग स्टेशन है, उसके पास किसी आदमी ने गोली मार करके डाल दिया और वो एरिया पुलिस स्टेशन रोज का मेरे का पड़ता है। तो जो सूचना पर मैं मौका पर गया और मौका पर वेरीफाई करने पर पता चला कि सिलानी गाँव के तीन लड़के, जिसमें से एक का नाम हरिया है, हरिया और फरेंदर, एक का नाम बोना और फुबीरपाल, एक का नाम जैकी उर्फ जैकम, और एक चौथा लड़का जो था वो है किरंज गांव का, जिसका नाम वेदपाल पुत्र राजवीर बताया गया। चारों आदमी इकट्ठे एक साथ रात को कहीं दारू पी रहे थे और दारू पीते समय चारों की आपस में किसी बात पर कहासुनी होगी और उनमें से एक आदमी को गोली मार दी। अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और स्टेटमेंट के लिए अपने ASI साहिबान वहाँ गए हुए एशियन हॉस्पिटल। जैसा ही आगे हमें कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना मिलेगी और परिवार वालों की तरफ जो कंप्लेंट होगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। घायल कौन है और कहाँ पे? घायल का नाम जैकी और जैकशन सोनोप राजवीर और अंडर ट्रीटमेंट है एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद।